ये बहुत ही खुशी की बात है कि स्वच्छ पटना अभियान में कला का समावेश हो रहा है। ये एक प्रकार से कलात्मक विषय है। मैंने आज तक नहीं देखा पहले, लेकिन इस माध्यम से जागरूक करना हमारे बड़े और विख्यात कार्टूनिस्ट पवन एवं रश्मि किरण के द्वारा बहुत ही हर्ष का विषय है। सभी स्कूलों में बच्चों के साथ, बच्चों से थोड़े से बड़े लोगों के साथ मिलकर के जो ये कार्टून प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, इस माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं। स्वच्छता तो अत्यंत आवश्यक विषय है। इस विषय को ऐसे भी याद रखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं ज़्यादा ध्यान लोग नहीं दे पा रहे हैं। मगर उनके सामने अगर जो सुबह सुबह अखबार में दिखने वाले पवन जी और इधर रश्मि किरण जी जो कथाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करती रही हैं, आ रही हैं, तो बच्चों को भी और नागरिकों को भी अपने दायित्व का बोध होगा। मैं समझती हूँ कि जब तक आप सभी जागरूक न होंगे, अपने दायित्व बोध को नहीं समझेंगे, तब तक अब आपका पटना स्वच्छ नहीं होगा। पटना स्वच्छ होगा तो वातावरण स्वच्छ होगा, पूरा एक तरह से चारों ओर धरती और आकाश सब स्वच्छ होगा। जब हम स्वच्छ वातावरण में सांस लेंगे तो रोग शोक की भी कमी हो जाएगी। इस तरह से हम लोगों को इसमें भाग भी लेना चाहिए और इसको बढ़ावा भी देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी और रश्मि किरण जी को, साथ साथ बच्चों आप सभी को जो कार्टून बनाने में लिप्त हैं।